Honda Motorcycles is all set to enter into the phase two of selling their premium motorcycles here in India. And the first one out of the box is the new Honda Africa Twin 2020. Apart from the new BSX engine, Honda has made some significant changes in this new bike. Hello everyone, welcome to Times Drive. I am Ankur Taneja. So, जो बदलाव इसमें किए गए हैं फ्रंट में ही सबसे पहला बदलाव यू विल गेट टू सी दैट इसमें आपको नया हेडलाइट क्लस्टर मिलता है एंड दिस इज द ड्यूअल एलईडी सेटअप जो होंडा ने इस नई अफ्रीका ट्विन 2020 में दिया है एंड दिस ऑल्सो नाउ कम्स विद द कॉर्नरिंग लाइट्स जो इस नए मॉडल में होंडा ने दी है एंड एक चीज़ जो इस जो इंडिया में वेरियंट लॉन्च किया गया है उसमें नहीं है दैट दिस इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर इस बाइक में दिया गया है यहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल सस्पेंशन शावा के सस्पेंशन इसमें दिए गए हैं और फ्रंट में यू गेट टू सी द ड्यूअल डिस्क सेटअप निसन का ब्रेक सेटअप दिया गया है एंड दिस इज़ द 17 इंच टायर इन द फ्रंट दैट यू कैन सी इन द होंडा अफ्रीका ट्विन 2020 और जो यहाँ पर आप इसका ये विंड स्क्रीन देख रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल अप टू 60 mm इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से देखेंगे दिस इज़ द न्यू 1184 cc इंजन दैट होंडा हैज़ गिवन इन दिस बाइक जो प्रीवियस इंजन था 1000 cc का उसके बजाय अब ये नया इंजन दिया गया है विच जनरेट्स अराउंड 102 पीएस ऑफ पावर एंड अराउंड 105 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क सो ये एक बदलाव यहाँ पे किया गया है और जो इसका फ्रेम है दैट इज़ ऑल्सो 40 mm नैरोअर दैन द प्रीवियस फ्रेम दो वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और एक DCT के साथ तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा एंड सीट हाइट जो है वो भी आपको अब एक नए सेटअप के साथ मिलेगी अराउंड 810 to 830 mm तक आप इसकी सीट एडजस्ट कर सकते हैं एंड मिनिमम ये जा सकती है 795 mm तक और रियर में भी यू विल गेट टू सी दिस LED सेटअप अब इसमें टायर्स आपको देखते हैं आप स्पोक व्हील्स के साथ मिलेंगे और ये आपको पीछे वाला टायर है दैट इज 18 इंच टायर और इसमें अब आपको ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे रियर में भी आपको दिस ब्रेक विद ABS दिया गया है सो द बाइक इज नाउ लाइटर बाय 5 kg एंड दिस इंजन जनरेट्स अराउंड 12% मोर पीक पावर एंड 11% मोर टॉक देन द प्रीवियस वर्जन और जो इसका पावर टू वेट रेशियो है वो भी 10% इंक्रीज पहले से हो गया है जो टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है एक नया IMU सेटअप इसमें आपको दिया गया है और उसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं दैट यू विल गेट द व्हीली कंट्रोल ऑप्शन रियर लिफ्ट कंट्रोल ऑप्शन और राइड बाय वायर का ऑप्शन मिलेगा और क्रूज कंट्रोल भी अब आपको इस अफ्रीका ट्विन 2020 में दिया गया है फ्यूल टैंक में भी इसके बदलाव किया गया है पहले जो अराउंड 18 लीटर का फ्यूल टैंक आता था अब आपको वो बढ़कर 24.8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है एंड द डिस्प्ले दैट यू कैन सी इन दिस अफ्रीका इन 2020 इज 6.5 इंच TFT स्क्रीन एंड इट कम्स विद द कनेक्टिविटी ऑफ एप्पल कारप्ले तो ये फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा उसके अलावा जो इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं इसमें चार राइडिंग मोड आपको देखने को मिलेंगे दिस इज टूअर मोड इन इट एंड दो यूज़र मोड दिए गए हैं अर्बन मोड है ग्रेवल मोड है और ऑफ रोड मोड एंड ऑल्सो यू कैन स्विच द ट्रैक्शन कंट्रोल आप उसके जो लेवल हैं वो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड ऑल्सो द व्हीली कंट्रोल जो मैं बता रहा था उसके भी लेवल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो ABS है दैट कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड इन दिस अफ्रीका 2020 उसके अलावा यहाँ पर आपको छोटा सा MID दिया गया है जहाँ पर आपका स्पीडोमीटर आपकी जो गियर इंडिकेटर पोजिशन है वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगी उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको दी गई है और ये इधर 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर आपको दिया गया है और जो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के लिए फ्रॉम हियर यू कैन कनेक्ट दी फ़ोन एंड वो आपकी स्क्रीन से कनेक्ट हो जाएगा जो बाकी जो डिस्प्ले है सब नेविगेशन और जो गूगल मैप्स वगैरह है वो आपकी इस डिस्प्ले में देखने को आपको मिलेंगे अब जो होंडा ने इसकी प्राइस रखी है दैट स्टार्ट फ्रॉम 15.35 lakhs एंड गोज़ अप टू 16.10 lakhs सो डू शेयर योर ओपिनियन अबाउट द न्यू अफ्रीका ट्विन 2020 इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर द वीडियो और टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू बाय बाय